बिना खर्च रे आदिवासी अंचल रे 1480 प्रकार रो बिहन संरक्षण करी एबे चर्चा रे बिरळ बिहन मानकर जैनक वैज्ञानिक डॉक्टर देवल देव केवल बिहन नुहे विभिन्न पुरातन औषध गछ लगाई से एबे चर्चार विषय पलटि छंती। देवल देव को द्वारा अनुप्राणित हुई अंचल रो चासी माने एबे जैविक पद्धति माध्यम रे चास करबा को आगे आसुछंती। रायगढ़ जिला विषमकटक ब्लॉक केरांडीगुड़ा ग्राम रु देखिबा एही रिपोर्ट। कुआजे भारत बर्षरी पूर्वरु 1 लाख रु अधिक किसम बीजर बिहन थिला किंतु 1960 रो सबुज विप्लव पर ठारु भारतीय चासी माने भारतीय देसी बिहन छाड़े नूतन संकर बीज बिहन साहाज्य रे कृषि कार्य करबा आरंभ कले जहाद्वारा भारतीय किसम बिहन 1 लाख रु क्षुण्ण हो पाखापाखि 7000 रे पहुंचीथिला। नूतन बीजर बहुल व्यवहार द्वारा माटीर गुणवत्ता और उर्वरता क्रमश क्षय होबाकु लागिला एवं कृषक मानकु बड़ बड़ सार कंपनी मानकु ठारु चासपाई प्रतिवर्ष बिहन किणिबाकु पडुथिला जहाद्वारा कृषक मानकु अवस्था क्रमश दयनीय होई पडिला। डॉक्टर देवल देव से समय कलिकता रे सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर भाबे कार्यरत थिले। से जने कृषक होई नथिले मध्य कृषक मानक एभली परिस्थिति को हृदयंगम करि पारिथिले एवं कृषक मानक एही परिस्थिति को बदलाइबा पई चेष्टा करथिले। तांकर चिंतन अनुसार कृषक मानक एभली सोचनीय अवस्था को केवल भारतीय बिहन द्वारा ही दूर करा जाई पारिबो एहा चिंता करी सेबेठारु देशरे उपलब्ध थिबा एवं क्षय पाउथिबा चाउलर बिहन सबको संग्रह और संचय करबाको आरंभ कले। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी शिक्षा लाभ करथिबा डॉक्टर देव 1996 निज चाकरी त्याग करी तांकर ही स्वप्न पूरण करबा पई उद्यम आरंभ करथिले। पश्चिम बंगरे घर को घर बुली कृषक मानक ठारु भारतरु विलुप्त हेतुवा बीज गुडीकर बिहन संग्रह करबाकु लागिले। ओडिसा रे से ब्रीही नामरे बीज संरक्षण बैंक रो निर्माण करथिले जे कोनसी कृषक को एठारु बिना मूल्य रे भारतीय बिहन जगाई देबा मूल लक्ष्य थिला। से दीर्घ 26 वर्ष धरि भारत देशर विलुप्त चाउल किसम को संग्रह करि आसुछंती। एही 26 वर्ष मध्ये रे से देशर विभिन्न प्रांत एवं पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश इटाली कोरिया थाईलैंड फिलिपाइन्स भली देश बाहर बिहन संग्रह करिबारे सफल होइछंती। एही फार्म रे चारा रोपण करी परीक्षा निरीक्षा मध्ये करिछंती। वर्तमान सुधा देशर 12 राज्यर भारतीय बिहन को से संग्रह करी एबे 1480 प्रकार चारा रोपण करिछंती। प्रत्येक वर्ष शताधिक कृषक एठारु बिना मूल्य रे बिहन नेथांती। भारतर विलुप्त चाउल किसम संरक्षण करबा पई ओडिसा रे 2011 मसीह रे वसुधा फार्म रे जैविक कृषि प्रणाली माध्यम रे 1.7 एकर जमि लीज आकारे नेथिली। ओडिसार रायगढ़ जिलार विषमकटक ब्लॉक रो केरेंडीगुंडा भली एक आदिवासी ग्राम रे एक छोट फार्म हाउस प्रतिष्ठा करथिली। एही फार्म रे एपरी बिहन मध्य रहिछि जहाके समुद्रर लुणिया पानी ओ 6-7 फुट उच्च पानी रे मध्य चास पई उपयुक्त होई परबो। सेपरी आउ किछि बिहन मध्य रहिछि जहाके गर्भवती महिला मानक पई उपयुक्त सेथिरे आयरन मात्रा अधिक थिबा बले आउ किछि किसम रे गंठी व्यथा भली समस्या दूर हेबा भली औषधीय गुण मध्य रहिछि। सेपरी 214 प्रकार सुगंधित किसमर बिहन रहितबा बले 12 प्रकार कला चौल जातीय बिहन और 15 प्रकार लवणता विशिष्ट धान बिहन रही सांग को यही फार्म में विभिन्न औषधीय वृक्ष गुड़िक लगाई जहाँकि तार फल गुड़िक खावासह औषध रूप में व्यवहार पर उपयोगी होशार यही वृक्ष गुड़िक अति कम मात्रा रही बेले सबू धीरे धीरे लिप्त होगा जाऊँगी डॉक्टर देव। डॉक्टर देवल द्वारा अनुप्राणित हो आखपाख 7 खंड ग्राम समस्त कृषक मैंने जैविक पद्धति चाष कर जहाँ तक बहुमात्रा में उत्साहित करी फार्म जन कर्मचारी कहते ओडिशा समेत भारत 13 राज्य लोके बिहन ने बिहनर विलुप्त होवार संभावना को वृद्धि करिबारे कृषक मैंने सहायक हमें डॉक्टर देव का आशा और विश्वास रही। ए बाबद कौन सरकारी कि बेसरकारी अनुदान आम ग्रहण करना कर्मचारी मैंने देशी बिहनर बहुल मात्र व्यवहार करने चाषी मान दिगरे उत्साहित करने राज्य सरकार ए दिगरे पदक्षेप ने जरूरी ए दिगरे पदक्षेप ने व्यतीत देशी किसम को बजारे आनुष्ठानिक भाव में उपलब्ध करूना बर सरकारी लैब कि घर बिहन कंपानी गुड़िक प्रजनन द्वारा विकसित आधुनिक वाणिज्यिक किसम प्रति दृष्टि दि जाऊँगी। देशी बिहन दिगरे सरकार जदि पदक्षेप ने तबे कृषि क्षेत्र में ओडिशा सह देश आगे आशा कर रायगढ़ मुनिगुड़ रंजन स्वाई रिपोर्ट ओडिशा भास्कर। छी जीवी चाहूँ पड़ तोड़।
सेल नो पेमेंट क्रेडिट अप टू 50 लाख सेलिंग कंपनी रे फ्रांचाइजी आउटलेट में जोगाजोग करंतु।